हेलो स्टूडेंट्स वी आर लाइव नाउ वेलकम टू एस आई एस ऑनलाइन क्लासेस आई एम गोइंग टू डिस्कस योर रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर नाइन ओके स्टूडेंट्स रिविजन आपका रहे थे लेकिन अब मैंने सोचा है सीरियल वाइज क्वेश्चन ना बता के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको ही बताएंगे जैसे ये देख लीजिए uh, एफ नंबर क्वेश्चन जैसे प्रोडक्ट वाला भी ये क्वेश्चन देख लीजिए ई नंबर पार्ट ई का थर्ड वाला पार्ट बता रहे हैं जो सबसे डिफिकल्ट है माइनस टू एक्स क्यूब वाई इंटू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स वाई ओके सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस टू देखिए थ्री माइनस है तो जब प्रोडक्ट पे होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस लास्ट में साइन का कौन सा आएगा माइनस का अब कांस्टेंट का आते हैं थ्री टू जो सिक्स टू ट्वेल्व ओके एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स ठीक है एक्स क्यूब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के पास नोट करेंगे और भाई एक्स क्यूब वाई अगर ये नोट है तो ये इसका मतलब है कि एक्स क्यूब इंटू वाई ये सारे टर्म्स क्या हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में माइनस टू इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई इंटू माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू माइनस टू इंटू एक्स इंटू वाई ओके सो सेम वेरिएबल सेम वेरिएबल के साथ बोला है वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई एंड बस इतना ही होना चाहिए ठीक है सो माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स ऑफ पावर फाइव एंड वन ये पावर पावर क्या होगी सेम वेरिएबल की एड होती है मल्टीप्लाई मत कराइएगा एड थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस वन सिक्स सो एक्स की पावर क्या हो जाएगी सिक्स इसी तरीके से वाई की पावर ऐड होंगी क्योंकि वाई y वाई y सेम है सो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस वन फोर एक्स ऑफ पावर सॉरी वाई ऑफ पावर फोर ओके वाई ऑफ पावर फोर हो जाएगा एक्स ऑफ पावर सिक्स हो जाएगा ओके सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को <coughs> एक एफ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यह सिर्फ एक रिवीजन परपज से करा रहे हैं कि आपको जितना भी पीछे का है ना सब रिवीजन हो जाए फाइंड दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ आपको दी गई है एल एन जी टी एच लेंथ इज गोज टू टू ए बी एंड ब्रेथ इज गोज टू ए बी ओके एंड एरिया ऑफ रेक्टैंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल गोज टू एल इन टू बी मीन्स एल इज टू टू ए बी एंड बी इजग्ल्स टू ए बी ठीक है सो so, टू का यहाँ पे कोई और वेरिएबल्स तो है नहीं सो टू ऐसा ही नोट हो जाएगा सॉरी कॉन्स्टेंट कोई दूसरा तो है नहीं नंबर तो टू ऐसा ही हो जाएगा ए दो है सो वन प्लस वन पावर क्या हो जाएगी टू ए ऑफ पावर टू एंड बी ऑफ पावर ऑल्सो बी टू ओके सो एरिया ऑफ रैक्टेंगल इजगोल्स टू टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओके अब देखिए फाइंड द प्रोडक्ट मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट ओके okay? टू ए मल्टीप्लाई बाई थ्री बी माइनस टू ओके तो देखिए मोनोमियल्स मल्टीप्लाई बाई बायनोमियल्स सो टू ए का फर्स्टली थ्री बी में मल्टीप्लाई होगा एंड देन टू ए मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट ओपन होगा टू ए का जो आउटर टर्म्स है दोनों में मल्टीप्लाई होगा ठीक है सो टू ए मल्टीप्लाई बाई थ्री बी माइनस टू ए मल्टीप्लाई बाई टू देखिए दोनों टर्म्स में मैंने मल्टीप्लाई कराया ठीक है टू ए इन टू थ्री बी टू थ्री जिक्स ए बी माइनस टू टू ज फोर एके एंड देन ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर ओके अब फ्रैक्शन में भी मैंने कुछ आपसे पूछे थे कल रिविजन में वर्कशीट में तो देख लीजिए कोई डिफिकल्ट नहीं पूछा था बस ये फ्रैक्शन मतलब थोड़ा नंबर जो है ये आपको फ्रैक्शन दिए होंगे टू और थ्री की जगह ये फर्स्ट ब्रैकेट में था मल्टीप्लाई और ये वन बाई टू ए बी स्क्वायर ये सेकंड ब्रैकेट में था ठीक है सो so, देखिए होता क्या ये <laughs> ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए क्या है? गया है ब्रैकेट लगाया गया है टू अपॉन थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू वन बाई टू इंटू ए इंटू बी स्क्टर्म्स क्या मल्टीप्लाई में ही हैं ठीक है सो टू बाई थ्री का वन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई होगा टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कराए सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के साथ ए स्क्वायर इंटू ए इंटू बी इंटू बी स्क्वायर ओके सो देखिए टू से ये टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा सो वन बाई थ्री ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यू ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर एच देख लेते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी विदिन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी ठीक है तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म्स लेंगे और होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई भाई सेकेंड ब्रैकेट क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी फिर सेकेंड टर्म्स लेंगे ए बी और फिर पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई मीन्स मैंने क्या बताया था आप पहला टर्म्स लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का और पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और फिर सेकंड ब्रैकेट लेंगे विथ साइन फिर पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ठीक है सो so मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाकी तो आपको प्रोसीजर पता ही होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस ए बी इंटू ए बी ठीक है सो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एफ पावर फोर माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है तो देखिए ए क्यूब बी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए ऑफ पावर बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए सेम वेरिएबल्स थे पावर भी सेम थी प्लस माइनस में थे कैंसिल आउट हो गए ओके okay? <coughs> अब आपको ए इज टू थ्री पुट करना है और बी इज्वज टू फाइव पुट करना तो कर ए की प्लस पे थ्री पुट कर दीजिए थ्री ऑफ पावर फोर माइनस थ्री ऑफ पावर स्क्वायर इन बी की पावर फाइव ऑफ पावर टू ठीक है थ्री ऑफ पावर फोर मीन्स एट्टी वन माइनस थ्री ऑफ स्क्वायर नाइन एंड टू ऑफ स्क्वायर फाइव ऑफ स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एट्टी वन माइनस ट्वेंटी फाइव नाइन जै टू ट्वेंटी फाइव माइनस करा दें फोर एंड ट्वेल्व माइनस एट फोर वन वन फोर्टी फोर आपका हो जाएगा आंसर ठीक है आई नंबर भी देखिए इसी टाइप का है <laughs> और जे नंबर पे सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो बता ही चुके हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस जे नंबर वाले जैसे एक्स प्लस नाइन एंड एक्स प्लस नाइन ठीक है दोनों ही एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस नाइन है तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस नाइन ऑफ होल स्क्वायर दोनों ब्रैकेट सेम है पावर क्या हो गई दोनों की ऐड हो गई एक्स प्लस नाइन ऑफ होल स्क्वायर ठीक है अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर की क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को बी रिप्रेजेंट कर रहा है नाइन को सो एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस नाइन ऑफ स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू नाइन सो एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस एट्टी वन प्लस नाइन टू जा एटीन एक्स ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी एंड इसी टाइप से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब देखिए डिफरेंट है ठीक है इस पर अप्लाई होगा फॉर्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला लेकिन थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग थोड़ी सी है हमारी ब्रैकेट है सेकेंड वाला तो इसको क्या किया मैंने बी स्क्वायर को पहले नोट कर लिया ए स्क्वायर को बाद में नोट किया ठीक है और इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को भी ऐसा ही सेम एज नोट कर लेंगे बी वाला पहले ए वाला बाद में अब देखिए फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी सो यहाँ ए रिप्रेजेंट कर रहा बी स्क्वायर को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्क्वायर को सो फार्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो ए स्क्वायर मींस बी ऑफ स्क्वायर बी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर मींस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर सो ऑफ पावर स्क् माइनस ए ऑफ पावर फोर ओके थर्ड वाला ट्राई कर लीजिएगा के वाला सिंप्लीफाई पर बेस है ठीक है सो so, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है दोनों में ही क्या करेंगे ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फोर एम प्लस फाइव एन ऑफ होल स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस फोर एन ऑफ होल स्क्वायर ठीक है सो ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर फोर एम ऑफ होल स्क्वायर प्लस फाइव एन ऑफ होल स्क्वायर Plus 2 into 4m into 5n, plus 5m of whole square, plus 4n of whole square, plus 2 into 5m into 4n. 4m of whole square means 16m square, 5n square means 25n square, plus 4 to the 8 fives, 40mn. प्लस ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर फोर ऑफ स्क्वायर सिक्सटीन एन स्क्वायर एंड टू फाइव जेन फोर ज फोर्टी एम एन ठीक है ठीक है एम स्क्वायर वाले एटम्स एम स्क्वायर के साथ ऐड होगा एन स्क्वायर वाला एन स्क्वायर के साथ एम एन वाला एम एन के साथ सॉल्व होगा तो सिक्सटीन एम स्क्वायर एंड ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर सो फोर्टी वन एम स्क्वायर इसी तरीके से ट्वेंटी एन स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एन स्क्वायर दैन फोर्टी वन एन स्क्वायर फोर्टी एम एन प्लस फोर्टी एम एन प्लस एट्टी एम एन ठीक है सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को ओके सो बाय टेक केयर आज की टॉपिक इतने ही रखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चंस भी इसी तरीके का है ओके uh, okay.